हमारी टीम को मजबूत कर रहे हैं हम। और हमारा खाब इत्तेदारों के ऊपर बैठना नहीं है मेरे भाई। हम चाहते हैं कि फैजपुर के अंदर, रावेर के अंदर, यावल के अंदर, मालूड के अंदर मुसलमानों को उसका हक मिले, इंसाफ मिले। तरबेज अंसारी के ऊपर मेरे भाई कौन सी जमात है मुझे बताओ कि कन्वेज अंसारी के ऊपर, वो सीरीज चौधरी के कन्वेज अंसारी के ऊपर कभी उसके बदले दूसरे समाज का शख्स कभी ऐसा होता तो मोर्चे नहीं निकालता। ये सोचने की बात है मेरे भाई कि कोई अपक्ष हो कि मुझे बोल रहा कि मैं भावी आमदार है, क्या कन्वेज अंसारी के ऊपर भावी आमदार ने रोड पे निकल के बोला कि ये नहीं, ये गलत हुआ मेरे भाई। हम चाहते हैं कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, हम नहीं चाहते कि जातिवाद हो, हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। हम चाहते हैं कि मेरे भाई हम बच्चों को इंसाफ मिले। कब तक चलेंगे मेरे भाई? मेरे कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब में संसद ने बोले, हुकूमत को बोले कि कब तक होगा कि नाम के नाम पे, मजहब के नाम पे, गाय के नाम पे, खून के नाम पे कब तक मारा जाएगा भैया मुसलमानों को, कब तक मारे जाएगा मेरे भाई? तो मुझे अफसोस है इस बात के ऊपर कि मुझे बता, ये सोचने की बात है मेरे भाई कि कांग्रेस जो कि राष्ट्रवादी हो कि कोई हमारे मसले मसालों के ऊपर, कोई हमारे कन्वेज अंसारी के ऊपर, आसिफा के ऊपर, क्या हमारे शरीयत के ऊपर किसने बोला मेरे भाई? ये सोचना है इस बात के ऊपर। फिर हाँ, ये सोचने की बात है कि हमारे कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के ऊपर हम इल्जाम लगाते, तो सोचो मेरे भाई इस बात के ऊपर कि हम इंशाल्लाह ये कांग्रेस पार्टी के एक एक वोट नहीं देंगे भाई। मुसलमान हाथ सब हाथ उठा के बोले मेरे भाई कि इंशाल्लाह क्या हम मल्ली से इत्तेहाद मुस्लिमीन का काम करेंगे। और हम गली गली गांव गांव जाके मोहल्ले के अंदर हर मोहल्ले के नौजवानों को जोड़ेंगे और बुजुर्गों को समझाएंगे कि सिर्फ आज की परिस्थिति के अंदर कोई काम कर रहा है तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन शाह काम कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।